हेलो हेलो रोहन, रोहन मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम पुरानी सारी कड़वी बातें भुला दो और प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। बस मैं अपनी अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ शादी कैसे निभा पाऊंगी, प्लीज समझो। रोहन प्लीज मुझे आके ले जाओ यहाँ से। रोहन हेलो हेलो वाह, मेरा स्वागत फूलों से किया जा रहा है। कितनी अच्छी खुशबू है ना फूलों की। सजावट बहुत अच्छी है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम्हें सजावट पसंद नहीं है क्या? हाँ, अच्छा समझ गया। जी सर, जी इधर। तेरी चाची को तेरी सजावट पसंद नहीं है, तू समझ रहा है? तो समझ रहा है ना? समझ रहा है? पसंद है मुझे सजावट। ठीक है, चलो सजावट पसंद है। क्या तुम एक काम करो, इस तरह बैठ और घूम बैठे। तुम्हारा पति हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई आया तुमसे। सोने का है शर्मा जी,
नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। कहो कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, वो सुबह सुबह प्रिया का 5 बजे फोन आया तो बस मिलने चला आया। ये तो प्रॉब्लम है आजकल लड़कियों में, फोन हाथ में आया नहीं, छोटी सी छोटी बात मायके वालों को बताना जरूरी समझते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब क्या बताऊँ आपको मिश्रा जी, पिछले साल इसके माँ बाप गुजर गए, उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप भी नहीं, इस चक्कर में इसकी जल्दी शादी कर डाली। वैसे प्रिया बड़ी गुड़ी लड़की है, आपके घर को संभाल के रखेगी। मिश्रा जी कहाँ खो गए? अरे मिश्रा जी कहाँ खो गए? कहीं नहीं कहीं नहीं, आता हूँ मैं। इसकी क्या जरूरत थी इतनी महंगी, कहाँ से लिया आपने ये? इस बात पर दिमाग मत लगाइए कहाँ से, दिमाग इस पर लगाइए कि मैंने ये आपको देखी होती। ये समझिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से कोई भी फोन आएगा लेकिन मैं इधर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अच्छा होगा, वरना जो 2 लाख रुपए आपको दिए ना मैंने, वो भी मैं वापस ले लूंगा। जी आप निश्चिंत रहें, वैसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे भैया आप जा रहे हैं? कम से कम चाय तो पी के जाएंगे। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, फिर कभी। रुको, फोन दे मुझे, फोन दे। आज के बाद अगर मुझसे बिना पूछे तुमने किसी को कॉल किया ना, तो मुझसे बुरा बोलिए, समझी? समझ आ रही कुछ? आगे ध्यान रखना, कैसे पकड़ ना धो लियो और ऑफिस आ जाना। सर मैं ऑटो से नवाब है, ऑटो से आया, बस से आ जाइयो। चाची को बोल मैं आया हूँ। अरे चाची आप यहाँ हैं? क्या हुआ चाची, आप बहुत उदास लग रही हैं।
क्या हो रहा? आप बता सकती? मैं चाचा से बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्या हुआ? तुम्हारे चाचा से मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। पता है मुझे, और वो अपने जुर्म में बहुत करते हैं। वो जुल्म करते भी हैं तो तुम क्या कर लोगे? आपकी मदद कर सकता हूँ। सच? तुम मेरी मदद कर सकते हो? रश्मि, रश्मि डार्लिंग, तो यहाँ छुपी हुई है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इतने सुंदर है तू, हाँ? तू अभी तक यहीं पर है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल बाहर जा, दरवाजा बंद करते ही। ये लीजिए चाचा जी, आपका मन पसंद बादाम वाला दूध। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें चाचा का मन पसंद बादाम वाला दूध याद आ गया। चाचा जी आपने तो शादी के बाद पिया ही नहीं, तो सोचा आज हम अपने हाथों से आपका मन पसंद बादाम वाला दूध बना देते। चाचा जी गरम गरम पीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। मैं कहाँ ना रख दे, बाद पी लूंगा मैं। पी लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। कितने प्यार से बना के लाया है। इतने प्यार से हम तो फिर तो पीना पड़ेगा ना। लो, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया।